रुके एक मिनट। अरे बहुत जल्दी आया आज। जल्दी आ गया? दिमाग खराब है कि नींद में ही बोल रहा है? 9:30 बज रहे हैं। मुझे लग रहा था ना रोटी बिना बनाई दिखे है। भाई आज बना ले बस, कल तक बना के रखूंगा। तेरा तो रोज का यू ही ड्रामा है, हैं? कभी तेरी सब्जी खत्म हो जाए, कभी तू दूध न लेता, कभी तेरा चून खत्म हो जाए, कभी तेरी आँख न खुलती है। भाई स्टूडियो में आज मंत्री जी का इंटरव्यू है, भाई कल तक बना के रखूंगा। भाई नींद न खुली। नींद कैसे खुलती? रात भर तो तू फालतू कामों में लगा रहे, कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, समय की कदर करना सीख ले। दुनिया में अगर कोई सफल होया तो उसने समय की कदर करी है। जिन्होंने समय की कदर करी है वही लोग कुछ बने हैं, और ना तो न्यू रह गए। अरे चचेड़ कहाँ थे आ गई? चाची राम राम। राम 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 राम। अरे सुभाष रुके जरा। हाँ चाची जो भी बोलना जल्दी बोल, मैं बहुत जल्दी। जल्दी में तो तू हमेशा ही रहता है, पिछले 10 दिन से कह रहा है किराया कल दूंगा। कब देगा किराया? कल दे दूंगा। फिर कल? मेरा बस चला तो तेरा सामान निकाल के फार फेंक दूं मैं। वो तो तेरे को मैं राजेंद्र का मुंह देख के चुप रहती हूँ। अरे चाची मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ, किराया तो मैं दू ही हूँ, 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जा बस। 2-4 महीने तो ऐसे कह रहा है जैसे 2-4 दिन की बात हो। अरे चाची क्यों जी छोड़ रही है, दे दूंगा तेरा भी किराया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। तेरी तो सुबह सुबह वही खाते किताब खुल जाते हैं। आज सुभाष को कैसे पकड़ लिया तूने? पिछले 10 दिन से टरका रहा है। राजेंद्र तो इसे 1 तारीख को पैसे दे देता है, पता नहीं खा पी के कहाँ उड़ा देता है। कोई बात ना, 1-2 दिन की ये नहीं दे तो राजेंद्र से ले लियो। भगवान ने भी कैसी जोड़ी बनाई, एक तो इतना अच्छा है और एक इतना निकम्मा है। चलो आज का तेरा कोटा पूरा हो लिया हो, मुझे रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। बात है। अरे मैं लेट होगा? सारा मैनेजर सुना लगा, दिमाग खराब कर दिया, चलते टाइम फिर बोलने लगा। हाँ तो कितनी बार समझा लिया तू, अब टाइम से सोए कर तो टाइम तक जगेगा। तू तो रात भर चैटिंग सेटिंग पता ना कहे कहे में लगा रहे। अरे छोड़ परे, रोटी बना दी? ना मैंने ना बनाई, अपने आप बना। रोटी भी एक समस्या ही है, एक काम ना कर ले? बता के कर ले। हम दोनों मिल के और एक रोटी बनाने वाली ना रख ले? तेरा दिमाग खराब है के? तेरे पे कमरे का किराया तो दिया नहीं जाता, उसके कहाँ से देगा? अरे मैं नू कहूँ था जितने किराएदार है सब ने रख रखी है। अरे रख रखे होंगे, राखण दे। इस कमरे में औरत जात का जिक्र नहीं होना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर इस कमरे में औरत नहीं आ सकती, ध्यान रखिए। इसमें बुराई की है? बुराई है, औरत होती है नरक का द्वार, समझ गया ना? और रोटी बना दिए, खा लिए। खा लूंगा। औरत होती है नरक का द्वार? दुनिया चांद पे मूत का आगी, यू पता ना किस दुनिया में रहे। खाना। हाँ खाना। हाँ अरे शुद्धि हो जा। पहले तुझे ही देखूं ले। अच्छा दीपक। हेलो। हाँ भाई दीपक, क्या हाल है, कैसे याद करा? यार तुझसे एक काम था। बता यार बता, तेरी तो जान भी हाजिर है। मैं किसी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। मेरी बहन शिवानी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए शहर आ रही है। अच्छा। और वो तेरे यहाँ रह करके इंटरव्यू देके चली जाएगी। बहनी आफत। दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर इस कमरे में औरत नहीं आ सकती, ध्यान रखिए। औरत होती है नरक का द्वार। और वो गांव से निकल चुकी है, मैंने तेरा पता दे दिया है और वो शाम तक तेरे यहाँ पहुंच जाएगी। आने वाले को कौन रोक सके भाई, तेरी बहान हो या मेरी आफत। अबे कौन दुश्मन है, रोटी भी नहीं खान दे रहा। बस रुक जा, मत तोड़े किवाड़ों को, आ रहा हूँ, रुक जा। Thank you.
हाँ जी। आपका नाम सुभाष जी है? आप धैर्य स्टूडियो में काम करते हो? हाँ जी। मेरा नाम शिवानी है। ओ शिवानी, मेरी बहन शिवानी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए शहर आ रही है। हे भगवान, तेरी कोरियर सर्विस भी बहुत फास्ट है। निंगे दीपक का फोन आया और निंगे मुसीबत आ ली। चल आजा आजा भीतर को आजा आजा। एक काम कर, चरण खड़ा हूं तो वहां काट दे और इस बैग को वहां धर दे कोने में और बैठ जा के। हाँ बैठ, रुक जा, फोन मत दबा दिए तोड़ेगी कैसे। रोटी खावेगी? नहीं नहीं आप खाओ। खावेगी, ले तू भी खा रोटी। मैं खा तो ले, कोई बात ना, खा ले। कड़ी आगे दिखे, मेरा तो करवा दिया आज व्रत, आज तो फंस गया दिखूं भाई। आज का दिन भी खूब मनहूस दिन है। सवेरे मैनेजर डांट रहा, आज तो ही अपना राजेंद्र ने डांट दिया, अब बाकी का सर इसने पूरी कर दी सारा खाना खा के। अच्छी भुकेड पल्ले पड़ी। कर रही है तू? हैं? कपड़े निकाल कर रख रही हूँ। ठीक है, इन्हें भीतर ही रहने दे अभी। क्यों? नहीं तो इनकी गैल तू और मैं दोनों कमरे से बाहर हो जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अभी रुक, अभी बता रहा हूँ। बंद कर, पूरे को दे, पूरे को दे। देख यहाँ मेरा दोस्त भी रहे एक। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तू तो एडजस्ट कर लेगी, वो तो ना करे अगला। क्यों, क्या मतलब, कहाँ है वो? ड्यूटी जा रहा है अभी। सुन, उसे लड़की के नाम ते बहुत चिढ़े, लड़की का नाम सुन के तो अगला मरने मारने को तैयार हो जा, समझ गई? ऐसा क्या, कोई अजूबा है क्या वो? तू उसे अजूबा ही मान। और दिखे लड़की के नाम ते तो ऐसे भागे जैसे कछुआ छाप के धुए थे मच्छर भागे फिरे। उसे तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ है। फिर मैं कहाँ रहूंगी? तू कहाँ रहेगी? हाँ हाँ हाँ। देख उसकी ड्यूटी है रात की, वो सुबह सुबह ऐसे ही कोई 8:30-9 बजे तक आवेगा, और वो टाइम मेरा जाने का होवे तो तू उसके आने से पहले कमरे से बाहर जाके खड़ी हो जा करिए, ठीक है? और जब मैं लिगड़े करूँ मेरी गैल होले करिए। ठीक है जी। वैसे आप इतने बड़े आदमी हो, इतने टाइम से इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, आप ऐसी जगह पर क्यों रहते हो? देख हम बड़े तो हैं, पर ये जो फिल्मी दुनिया है ये जैसी बाहर से दिखाई दे ये वैसी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी, शाहरुख खान हाँ? शाहरुख खान को आपने कभी आमने सामने देखा है? एक बार, अरे कई बार। हमारे स्टूडियो में कई शूटिंग हुई है उसकी। अच्छा हाँ, और क्या, अकेला शाहरुख खान है और बहुत सारे जैसे नाना। क्या नाना? अरे नाना पाटे कर मुझसे मांग मांग के बीड़ी पिए कर रहता। हाँ अरयू, तेरा रणवीर सिंह मुझसे पूछ के, उसने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? कि दादा क्या नाम है उसकी पत्नी का? दीपिका। दीपिका हाँ, अरे दादा दीपिका से शादी करूं या ना करूं? आपको पसंद हो तो करूं, आपको ना पसंद हो तो ना करूं। सच्ची? और नहीं तो के, अरे जब मैंने हाँ भरी तब लुंडे ने फेरे लिए। यू टाइगर जैकी श्रॉफ का लड़का नहीं बैठ के चाय पिए करे था। मैंने ही नहीं हाथों से कई बार चाय बना बना के पियाई है उसे। मैंने उसे कही देख टाइगर तू यू बागी कर ले, फिर देख तू कहाँ तक कहाँ पहुँचेगा। बस एक अफसोस रहेगा। क्या? ये ऋतिक। ऋतिक? ऋतिक, ऋतिक रोशन। मैंने बहुत समझाया, काबिल मत कर, मानना ही नहीं अगला। अब घर में बैठा छोटा भीम देखो जा। सर आप इतने बड़े आदमी हो, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हो, आपसे एक बात पूछूं? पूछ।
सर आप तो फिर किसी को भी फिल्मों में काम दिलवा सकते हो, आपकी तो इतनी जानकारी है। अरे बिल्कुल, यूं मिनटों में। सर मैं आपको एक चीज करके दिखाऊं? हाँ, दिखा दिखा। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ओ वाह भाई वाह भाई, पहली बार ऐसी लड़की देखी जो अमिताभ की इतनी बढ़िया मिमिक्री कर दे। सर आपको पसंद आया, और सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। अक्षय कुमार के? हाँ हाँ बिल्कुल सुना। डोंट एंग्री मी, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं जो नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाई वाह। एक और सुना। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई जरूर सुना। ए सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भाई वाह भाई वाह, तू तो बहुत बड़ी कलाकार है। सर मुझे फिल्मों में काम मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, पर पहले उस काम पे ध्यान देना जिस काम के लिए तू आई है। सर मैं जिस काम के लिए गांव से आई थी वही तो कर रही हूँ। तने के सरसर लगा रखी है मुझे, है? तू मुझे अपने भाई मान? इन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया, अब तो मुझे फिल्मों में जरूर काम मिल जाएगा। आई एम लक्की। दीपक, दीपक का फोन। हाँ भाई दीपक, क्या बात है? यार सुभाष, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है, शिवानी किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। अरे के बक रहा तू, तेरी बहन किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई? हाँ यार, चल तुझे बाद में फुर्सत में फोन करता हूँ मैं। अच्छा कौन है तू? शिवानी। सही सही बता कौन है तू? शिवानी हूँ। तू दीपक की बहन शिवानी नहीं है? कौन दीपक? मैं तो किसी दीपक को नहीं जानती। नहीं जानती, फिर तू यहाँ क्या कर रही है? रुक जा, तुझे तो अभी शुद्धि करूँ। तन्ने तो कमर वा दिया, चल टिकट इस कमरे से टिकट। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सर मेरी बात तो टिकट। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। तू टिकट बहुत सुन ली तेरी, चल टिकट तो सुन ली, चल ले बूट भी लेती जा अपने, चल भाग। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सर, मेरी बात तो सुनिए सर। बाबा की जान, हे भगवान, अगर उसे पता चल जाता तो वह जीवन नरक बना देता। ओहो इसीलिए औरत को नरक का द्वार बतावे वो। अब आगे बात समझ में। हे भगवान तन्ने आज बहुत बचाए। सुभाष, अरे सुभाष। हाँ चाचा। क्या हुआ, कौन लड़की है, क्यों रो रही है? चाचा इसकी के बताऊं, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन है शिवानी, वो नौकरी का इंटरव्यू देने आने वाली थी और हमारे कमरे में रहती, अब वो तो चली गई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, नाम इसका भी शिवानी है, और यूं आफत मारे गले आ पड़ी। ए तू क्या ड्रामा कर रही है, अब यहाँ बैग उठा लिकट। मेरे बचपन का सपना था मैं बड़ी होके फिल्मों में काम करूंगी, मगर मेरे पिताजी इसके सख्त खिलाफ थे, इसलिए मैं गांव से भागी आई थी। प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे तेरे से किसने कह दी मैं तुझे फिल्मों में काम दुआ दूँ? मैं सुबह से बैठ के आपके स्टूडियो के बाहर वेट कर रही थी, जब आप बाहर आए, जब गार्ड ने बोला कि वो सुबह जा रहा है, यही तुझे फिल्मों में काम दिला सकता है और रहने के लिए जगह भी यही देगा। उस कमीने ने उसे मैं कल बताऊंगा, पर तन्ने कदी अपना थोबड़ा भी देखा आयो। चलिए आई काम, भाग के करीना कपूर बनेगी चाचा, वो तो टाइम तक पता चल गा, नहीं तो मेरी तो आफत थी आज, राजेंद्र को पता चल जाता बस। मगर आपने तो ये बोला था आप बहुत बड़े बड़े हीरो को जानते हो, शाहरुख रणवीर को, आपने ये कहा था भैया आप मुझे फिल्मों में काम दिलवाओगे, प्लीज भैया मुझे काम दिलवा दो। भैया आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो सबको जानते हो, मुंबई में अक्षय कुमार, सनी देओल, बाबू देओल, एक फोटो मेरी भी करवा दो सनी देओल का। रस ससुरा आया शाहरुख खान बनने, थोबड़ा देखा आयु, चल भग। ए भैया तुम भी फेंकू वही छिकली जैसा थोबड़ा लेकर हीरो बनेगा। ए रोतड़ो तू सुन ले, दिखे मैं सुभाष हूँ, सुभाष घई ना हूँ, मैं छोटा सा लाइट मैन हूँ बस, मैं किसी को फिल्मों में काम नहीं दिलवा सकता, मैं फेंक रहा था तेरे ते। भैया प्लीज मेरी मदद कर दो भैया। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत सुन ली तेरी, अब तू निंगे को आजा, बैग ठार लिकट ले भैया प्लीज। अरे तू लिकट। अरे सुभाष जब थोड़ी इतनी कह रही है तो अब कैसे भी हो इसकी मदद कर दे, आगे इसकी किस्मत। अरे चाचा मैं तो मदद कर दूं, पर यहाँ इसे रखूंगा कैसे, राजेंद्र को पता ना लग जाएगा। ऐसे ही रखियो जैसे अपनी दोस्त की बहन को रखता। हाँ बहुत बढ़िया, फंसा दो चचेड़ सी। ए ठा बैग ठा।
चल भित्तर को ड्रामे कर रखे हैं, जब तक आइए दिखे चरण खड़ा हूँ भी लेती जा। भैया भैया उठो, उठ जाओ भैया। उरत तेरे की 8 बज लिए, अरे दिखे राजेंद्र आता होगा, अभी तो खाना भी बनाना मुझे तो। भैया आप चिंता मत करो, खाना मैंने बना दिया है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि कल आपने कहा था ना हमें 8:30 बजे निकलना भी होगा। मैंने सारा काम भी कर दिया और मैं भी तैयार। भाई यू तो ना घना बढ़िया काम कर दिया, और मैं भी बस 2 मिनट में नहा आया। तू एक काम कर, तू जिन्ने पे तो उतर और एक तरफ को खड़ी हो जाइए, और देखिए राजेंद्र आने वाला, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है भैया, अभी आया मैं। ठीक है, बड़ा अजीब लड़का है। सजना है मुझे, हैं? अरे आज तो 8:30 बजे नहा लिया, के समझे है तू मुझे? मैं तुझे अच्छी ढाल जानू, रोटी भी बनाई है ना। रोटी? अरे पानी भी भर दिया, देख निगाह मार के देख कमरे में को, साला चकाचक कर रखा। आज तो मैं नहा भी लिया। हैं? रात रात में बदल गया दिखे। अरे रात रात में तो दुनिया बदल जा, तुझे अभी पता ही कितना है, कर रहा बात। और देख मैं जा रहा हूँ, रोटी धरी है खा लिए। अच्छा तो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। क्या हो गया इसके? माले आज तो खाने में खुशबू अलग है, पहले खाना ही खा लूं। देख मेरा स्टूडियो, चल। ओहो कितनी गर्मी है अंदर। मेरा स्टूडियो है यू, आजा। अच्छा आजा। भाई तुम्हारी एक्टिंग और डांस तो बहुत बढ़िया है, वो तो मैंने देख लिया। देख अब तू अपना काम पक्का समझ, मैनेजर साहब ने कह दी ना, बस। पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक काम करो, इधर आओ। अरे आओ भाई, पास में आओ मेरे। अरे पास में आओ भाई, और पास में आओ। तुझे एक्टिंग और डांस की और प्रैक्टिस की जरूरत है, तू एक काम कर मेरे कमरे में रुक जा, मैं तुझे और परफेक्ट कर। सर सर मैं कह रहा था मेरे साथ तो रही है, मेरे साथ आ जाया करेगी। अरे मैं तो इसके भले के लिए बोल रहा था, यहाँ रहेगी तो एक्टिंग और डांस में और इम्प्रूवमेंट आएगा, और डायरेक्टर सर से मैं इसकी बात करा दूंगा, इसको जल्दी काम मिल जाएगा। कोई बात नहीं सर, मेरे साथ तो रहती है, मेरे साथ ही आ जाया करेगी। चल शिवानी। सर नमस्ते, यू मैनेजर तो बहुत कमीना आदमी निकला। इतना घूमे कहीं काम नहीं मिला। और कुछ लेके आऊं सर? कुछ फ्री का सौदा हो तो ले आ, नहीं तो लिकट ले। अरे कूल डाउन भैया। कूल डाउन? कमीना यूं कह मेरे कमरे में रह लेगी, यूं जी कर रहा था सारी गर्दन मरोड़ दूं, उसके द्वारा चली मत जाइए बिल्कुल भी। छोड़ो ना भैया। अरे वो तो राजेंद्र नहीं तो उस वक्त वहाँ, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर देता। अच्छा वो अकड़ू ऐसा क्या है उसमें? तू जानती ना अभी उसे, अभी उस जैसा आदमी दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। देख जब मैं शहर में आया, कर्जे में दबा हुआ था, भूखा था प्यासा था, कुछ नहीं था मेरे धोरे, उसने मुझे अपने कमरे में रखा, मेरा कर्जा उतरवाने में मेरी मदद करी, अपने पैसे थे मेरे कपड़े बनवाए, अपनी नेक कमाई थे मेरा पेट भरा,
और दिखे कह के अपने दोस्त से मेरी नौकरी लगवाई। मेरा दोस्त हीरा है हीरा, दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। भैया मैंने रात तो एडजस्ट कर लिया कैसे न तैसे करके, पर अब नहीं हो पाएगा। अरे तू उसकी चिंता मत करे। देख जैसे अभी तू पहले निकली कमरे में से, फिर राजेंद्र चला गया, मैं आया, हम दोनों चले आए। अब हम यहाँ जाएंगे तो वहीं खड़ी हो जाइए जहाँ आते वक्त हुई थी, ठीक है? ठीक है। राजेंद्र जब निकल जाएगा तब तू ऊपर आ जाइए, ठीक है? ठीक है। तो आज चल के अरहर की दाल और रोटी बनाइए, देख काली जली रोटी खा खा के रंग देख कैसा होगा। तेरी जैसी गोरी के हाथ की रोटी खाऊंगा तो रंग तेरे जैसा हो जाएगा। पहले आप घर तो चलो, घर चलते जो कहोगे वो बना के खिला दूं। ठीक है, ठीक है, तो चले फिर। हाँ चल। अरे पैसे कहाँ गए? अरे पैसे तो थे, कहाँ गए? ले भाई पैसे। भाई 5 रुपए और दे। अरे 5 रुपए धरे के मारे पे, 10 रुपए ये धर ले, 5 रुपए फेर कर लगा लिए। अजीब आदमी है, अजीब आदमी बता रहा है, दिमाग खराब कर रखा सवेरी ते। अरे कैसे दरवाजा खुला ही छोड़ रखा? अरे लाइट चली गई थी तो हवा सी गिनिया खोल दिए थे। अच्छा, पर तू तो कमाल ही कर रहा है भाई, कौन सी घुट्टी पी है तू? तड़की भी टाइम ते था, सांझ को भी टाइम ते आया है, आज खाना भी गजब बना रखा था, कमाल कर रखा तने तो। कमाल की एक और बात बताऊं तुझे आज? बता। 6:30 बज रहे। हाँ, टाइम की कदर करना सीख ले। जितने महान पुरुष हुए हैं, जितने सफल आदमी हुए हैं, सबने टाइम को पहचाना है। सही कह रहा तू, चल मैं निकटता हूँ। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत है, ये बात ये मानेगा नहीं, इसे बतावे क्यों? पता नहीं वो बजरंगबली का भक्त अभी तक क्यों नहीं गया, भैया तो बोल रहे थे जब जाएगा तब इशारा कर दूंगा। ये लड़की फेरिया, पक्का कोई ना कोई गड़बड़, तड़की भी खड़ी थी अब भी यहीं खड़ी है। पता नहीं ऐसे देख रहा है जैसे कभी कोई लड़की ना देखी हो, घूर घूर के तो नू देखे जानो खाएगा। भैया हाँ चले, बस 2 घूंट चाय और रह रही, रुक जा। यूले धरिया। चल आ लिया तू? हाँ मैंने तेरी आज करेली की सब्जी बनाई है। अच्छा। बहुत पसंद है ना? और चाबी कहाँ है? चाबी चाबी की जरूरत न पड़ने की, मैंने नुई कुंदी लगा रखी। कौन था वो? यू था चौकीदार। चौकीदार? हाँ हाँ, नरक और स्वर्ग का चौकीदार राजेंद्र सिंह, मेरा दोस्त जो मेरे साथ मेरे कमरे अच्छा, में। अच्छा
ये है राजेंद्र? हाँ यही है, वो यही हूँ। आज तू बड़ी खुश हो रही है। तुमको पता है भैया, तुमने मुझे जिस स्टूडियो का पता दिया था ना, हाँ? आज वहाँ पे मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था और फिल्मों के डायरेक्टर को ना मेरा काम बहुत पसंद आया। भाई वाह, भाई वाह। और पता है, उन्होंने मेरे साथ एक दिन का एग्रीमेंट भी किया है और मुझे एडवांस भी मिला है। भाई वाह, आज तो पार्टी होगी फिर। हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि आज आपकी मदद की वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे नहीं, वो तो सब ठीक, एक दूसरे की मदद तो करे ही करे। चल तू आ, बढ़िया सी रोटी बना आज, और पहले चाय बना दिए, चाय मसाले वाली बनाइए। पीछे हो जा, पीछे पीछे। अरे तू आज ड्यूटी पे ना गया? आज इतवार है, और इतवार को मेरी छुट्टी रहे। अच्छा, अब क्या होगा भाई? क्या कह रहा है? नहीं, आज इतवार है, तेरी छुट्टी है, मुझे ध्यान ही ना रहा। ध्यान क्यों रहे होगा? आजकल मुझे तू बदला बदला सा लगे, और मुझे तेरे पे शक भी हो रहा। शक? हाँ। मेरे पे शक? और के? किस बात का शक है भाई? वो जो छोरी है, उससे तेरा कुछ संबंध है के? अरे कौन सी छोरी यार? कौन सी छोरी? हाँ। वो जो है जिनने में खड़ी रहे, मैं जब भी जाऊँ जब खड़ी मिले, आऊँ जब खड़ी मिले, मैं उसे देख के सोच रहा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और वह गड़बड़ यही है नू ना पता था। भाई यार तू कुछ कह भी रहा, वो एक नई किराएदार है, मुझे भैया कहे। किराएदार? हाँ। अरे बुढ़े बुढ़िया ने नई किराएदार रख ली होगी यार, ये तो पैसे के पीछे है ना। पर इनके दौरे तो कोई कमरा भी खाली ना किराए की नहीं है। अब ना हो, अब अपने कमरे में रख ली होगी। चल ठीक है, मैं इसमें कुछ पैसे गिरवा के आऊं, आ रहा हूं। चाची तो रोज नए नए किराएदार ले आवे, ऐसे किराएदार जो मेरे आगे पड़े। अरे यू तो साला रोज का ड्रामा होगा, नए नए प्लान रोज बनाते रहो। क्या करें फिर? फंस गए यार। आलिया एक काम कर, यहाँ लेट। ओहो खड़ी हो, यहाँ तो दिख जाएगी। खड़ी हो यहाँ, खड़ी हो जा, यहाँ गेट खोल रहा हूँ। खड़ी हो यहाँ, नहीं यहाँ जा, वहां छिप जा सिलेंडर के पीछे कोने में, वहां बैठ। ओहो नहीं, हिस्से लिखा हिस्से उरकवा यहाँ, चल बाथरूम में चल। ए चल, और चुपचाप रहिए। क्या कर रहा तू? मैं एक घंटे से खटखट कर रहा हूँ। वो बाथरूम कपड़े बदल रहा था। कपड़े धो रहा था? कपड़े बदल रहा था। अरे यू के है, चादर पड़ी है यार। अरे यार वो एक बात करनी थी। हाँ बता। वो मैंने रोटी बनाने वाले से बात करी थी। फिर तू वही बात कर रहा है? मैंने तू कितनी बार समझा लिया, आखिरी बार समझा रहा हूँ। आँख खोल के, कान खोल के, हर द्वार खोल के सुन ले कि मेरे कमरे में लड़की नहीं घुस सकती। अगर तने आगे ते फिर ऐसी बात करी तो तेरे लत्ते कपड़े सब ठा के बाहर फेंक दूँ तुझे भी। घुस नहीं सकती यहाँ तो, कद की घुस ली। चल ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं मुंह धोऊं और सो। अरे नहीं मुंह, अरे नहीं बाथरूम, नहीं यार, नहीं यार, नहीं। ऊपर देख कितनी बढ़िया हवा चल रही है, मैंने इतने गद्दे बिछा रखे, ऊपर चल के सो। ठीक है मुंह तो धो लूं। अरे नहीं, मुंह धोने की जरूरत है ही नहीं, जब हम कह रहे हैं चल ऊपर चलेंगे। थैंक गॉड बच गई। आजा बाहर आजा, देखिए हम ऊपर जा रहे हैं सोने, तू यहीं सो जा। भैया एक दिक्कत है। बता। मेरे ना सारे कपड़े गंदे हो गए, मैं उन सबको धो दूं पर क्या पहनूं? यहाँ से जो लोवर या शर्ट तेरा आ जा उसे पहन लिए, पर उस जालिम के ना पहरिए, मेरे पहरिए, यहाँ धरे। ठीक है समझ गई ना, आराम से सो जा। हैं? यू कहाँ गया? बड़ा चालू है मुझे ऊपर सुहा के, और नीचे भाग गया। हाँ।
है? बड़ा चालू है मुझे ऊपर सुहा कर यहाँ आके सो रहा है। अरे आज तो तू बड़ा नरम सा हो रहा, ऐसा के लगा लिया बे आज हैं? अब के होगा? अरे जो होगा सब देखा जाएगा, अब तो सोन दे। पर मामला बिगड़ेगा ही वो अब। भैया, भैया। हाँ। आप नीचे जाके सो जाओ, वो सो गया, मैं यहाँ सो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ले तू भी सो जा, जाऊँ मैं। की कर रहा तू बार बार? चार शिवानी, ए 5:05 जा तू नीचे जा, और देखे वो सो रहा है, तू नहा धोले जाके जा, ज्यादा देर मत करे, संभल सीखे मेरी आफत। अरे भाई यू मरा सांप खामा खाई गले में घाल लिया दिखे हमने भी। कहाँ जागा यू इतनी तड़की नहाक है? ओ खोल,
जल्दी खोल दे। अरे अरे मैं नहा रहा हूँ। 2 मिनट बाद नहा लिए तू, पहले मुझे पेशाब कर लेने दे। मैं ना खोल रहा, मैंने अपने कपड़े उतार रखे हैं। लत्ते तार रखे तो तार रहने दे, तू कोई छोरी है? जल्दी कर। अरे जोर से लगे तो कहीं भी जा, मुझे नहीं पता। तू अच्छी बहन बनाई है, यूं मरवाएगी हमें। अभी मुझे इतनी तेज लगी है, मैं आऊंगा ठीक करूंगा तुझे। मैं आके बुढ़े बुढ़िया के यहाँ होके आना पड़ेगा। वाह खोल दे यार। एक क्या कर रही थी तू? अपने आप तो सड़क पे जावेगी, गैल में मुझे भी मरवावेगी। मैं क्या करती, वो दरवाजे पे अकड़ा खड़ा था। जो मैं ऐसा ना करती वो दरवाजा तोड़ के भीतर आ लेता। मुझे खुद को तो बचाना था वरना मैं पकड़ी जाती। अच्छा चलो भैया, मैं नहा के तैयार होके आती हूँ, फिर बात करते हैं। पर जल्दी कर। ठीक है भैया। अरे राजेंद्र तू इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, वो ऊपर है ना सुभाष घुसा हुआ लैट्रिन में। अरे वो तो पागल ही है। हाँ जी वो पागल है, मुझे जाना आपकी लैट्रिन। लेकिन उसमें तो तेरे अंकल घुसे हुए हैं। अंकल तो खुद आध घंटे पहले करते हैं। अरे आजा आजा, वो तो बहुत देर के घुसे हैं। भैया मैं तैयार हूँ। अरे तू तो तैयार होगी, पर यहाँ तो एक आफत नहीं पैदा होगी ना? तू जो राजेंद्र है, इसकी एक हफ्ता तो ड्यूटी रहे दिन की और एक हफ्ता रहे रात की। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी रहेगी दिन की और रात में रह करेगा यहीं। अब तू एक काम कर, किसी ढाल एक हफ्ते तक राजेंद्र की गैल एडजस्ट कर ले। एक हफ्ता? हाँ भैया, मैं तो उसे एक रात में ही डर गई। मैं उसके साथ एक दिन नहीं रह सकती। आप बात करते हो एक हफ्ता रहने की? ना बाबा ना, मैं ना रहूं, मेरे लिए कमरा ढूंढ दो आप, मैं आज ही चली जाऊंगी। चल तो कमरा ढूंढने तक तो एडजस्ट कर लेगी। नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, मेरे लिए कमरा ढूंढ। आज की रात तो करना पड़ेगा, एक रात तो एडजस्ट कर सके ना। ठीक है भैया। हाँ करना पड़ेगा। अरे नहीं, अरे वहाँ कहाँ भागी जा रही है तू? यहाँ 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 खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो। अरे की मन रहा तू चिड़की दे। अरे भाई देख, आ रहा हूँ मैं, न्यू कर रहा हूँ, कैसे सिंगार हो रहा था तेरा? तैयार हो लग रहा हूँ, देखिए तू लड़की है कि हैं जो ऐसे नहाओगा? धान तोड़ दूंगा तेरे। यार तेरा रोज का कुछ ना कुछ ड्रामा रहे। कुछ ड्रामा तू कर रहा था, मैं कर रहा था। अब मैं नहा रहा हूँ, इतना रोटी बना लिए, कभी ड्रामे करे यहाँ। बना लुआ रोटी, बना दूंगा रोटी, कैसे बना दूंगा? हाँ अब ठीक है, अब उसे बुलाता हूँ। आजा, शेर तो कर दिया बंद, जल्दी आजा, पामो में मेहंदी लग रही है के। आजा उरे को रोटी बना दे। कैसे बनाऊँ, वो अंदर है। अरे मैंने उसका इंतजाम कर दिया, कुंडी लगा दी, चिंता मत करे, आजा। ठीक है आजा, बना दे, जल्दी कर जल्दी। क्या बात है, वाह। अरे सुभाष, अरे देखिए क्या हो गया दरवाजे में, बहुत जल्दी नहा लिया। बना तो रोटी बना। हाँ अभी देखूं। अरे खोल। बना तो रोटी बना, लगी रहे। हाँ आजा, ए ले। अरे सुभाष, अरे खोल रहा हूँ, क्यों बेचैन हो रहा है? दरवाजा तो भीतर से ही बंद हो रहा है। खोल, तू ही खोल भीतर से, मैं बाहर से कैसे खोल सकूँ इसे? अच्छा खुलना रे आयू, बकवाद मत करे। अरे तन्ने बहुत तेज धक्का मार के बंद करा दिखे, यू कुंडी फसगी। कुंडी लगाने की जरूरत थी बाहर से? अरे खोल रहा हूँ, ऐसी थोड़ी खुल जाएगी। अरे यार थोड़ा धीरज रख। अरे खोल, देख कैसी केड़ी फंसा रखी है, थमा रहे, तेल ला रहा हूँ। भैया रोटी बन गई। बन गई? अरे के बन गई रोटी? अरे मैं दरवाजे की पूछ रहा हूँ, तू रोटियों की गा रहा है, जल्दी खोल। तेरे दरवाजे की भी बात बनेगी, रुक जा।
ऐसे ना खुल रहा है। खोल देना, मरेगा तू। मैं प्लास ला रहा हूँ, उस तक खोल लूंगा। सुभाष, सुभाष, अरे सुभाष, अरे की आपत्ति, मैं तुझे मार दूंगा। हैं, काहे की नहीं बंद कर रखी थी बाहर तक कुंडी? अरे मैं क्यों बंद करता, मैं तो वहां रोटी पो रहा था, तू यहाँ चिल्ला रहा था। हाँ तो क्यों बंद हो गया, बाहर तक कैसे बंद हो गया? कोई बात नहीं, तू ज्यादा गुस्सा मत हो यार, तू यहाँ बैठ जा। बहुत बढ़िया रोटी बना रखी है मैंने, मैं तेरी रोटी लाऊं। बैठ जा तू यहाँ। ये क्या कर रहे हो, देख के नहीं चल सकते क्या? मैं तो देख के चल रहा हूँ, खुद ही तू बाल बना रही है बीच में खड़ी हुई, कोई तो टकराव गई। अच्छा मैं सब जानू, ये तेरे टच करने के बहाने हैं। ओ मैं कोई बहाने वाने नहीं बनाता, खामा खा की बात कर रही है। अच्छा कभी हाथ रख ले, कभी पैर रख ले, फिर कभी ये बहाने नहीं है, और क्या है फिर? मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता। हाँ गलती से हो गया होगा, मैंने ना पकड़ा किसी को। ओ हो, देख देख। इतने दिन हो गए घर से आए हुए, पता नहीं घर पे सब कैसे होंगे, एक बार माँ को फोन करती हूँ। हेलो माँ। शिवानी कहाँ है तू? माँ मैं दिल्ली में हूँ। तू दिल्ली में? दिल्ली में क्या कर रही है? तुझे हम यहाँ सारे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं, पता है तेरे कुछ? माँ मैं बोलती थी ना मैं फिल्मों में काम करूँगी। क्या कह रही है तू? तू ठीक तो है? माँ तू चिंता मत कर, यहाँ मैं दो लड़कों के साथ रह रही हूँ और इनमें से एक तो मुझे बहन मानता है। तू पागल हो रही है, जवान छोरों के साथ में रह रही? माँ तू टेंशन ना ले, मुझे सीरियल में काम मिल गया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, छोरी ने तो फोन ही काट दिया, के करूं? अच्छा इसका मतलब वो दिल्ली में है। शिवानी के बात होगी? कुछ नहीं, आज मेरी माँ से बात हुई। अच्छा बड़ी बढ़िया बात है भाई, तो है माँ से बात होनी चाहिए। पर नू बता आज रात का के रहेगा? आज रात की मेरी शूटिंग है और मैं लेट ही आऊंगी। अच्छा तो ठीक है, बस तब तक मैं राजेंद्र को परसवा दूं। हैं चल तो फिर, तू भी लेट हो रही होगी, चल आ। हाँ भाई चलें ऊपर। क्या कह रहा, दोबारा कहिए? ऊपर छत पे चलें सोने। बकवाद मत करे, रात मुझे अकेला छोड़ के वहाँ यहाँ आके सो गया महाराज। अकेला छोड़ के आगा? मैंने सोया, मैं वहीं सोया, दिमाग चला। नहीं नहीं हाँ, मैं नीचे सोया, नीचे सोया। नीचे ही सोया। पर यार रात गई सुबह आ गई, तू भी यार अकेले के बैठा, आज मैं वहीं सोऊंगा। चल तू सो जा, मैं ना सो रहा वहाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। के बड़बड़ा रहा तू? मैं नू कहूँ तो यार कितना बढ़िया मौसम है ऊपर, है चल वहीं चल के सोएंगे। हाँ तू सो जा, मौसम बढ़िया तू देख ले। तुझे तो पता ही है यार मुझे अकेले को कितना डर लगे। हाँ मुझे ना पता तुझे डर लगे। राजेंद्र तो दोस्ती के नाम पे कलंक है, मैं तेरे टिकट पाऊं, तेरे कमरे में झाड़ू लगाऊं, तेरे कच्चे तक धोऊं जो तू बाथरूम में छोड़ के जावे। जब मेरी माँ का फोन आवे तेरी कितनी तारीफ करूं मैं, और तू तू मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। नौटंकी होली चले। अरे यार मिला हाथ, तेरे जैसा यार दुनिया में कहां मिलेगा, बस तू मेरा पक्का यार है। आ चद्दर था, आ जा।
चले भी अब? हाँ हाँ चल रहा हूँ, आजा आगे होले, आगे होले। हम ऊपर जा रहे हैं सोने, तुम भी आराम से सो जा, जा सो जा। यहाँ तो पानी भी ना धर रखा, उठ के आ जा न्यू। यू कद में गुआ लोट्या, अभी तो मैं ऊपर छोड़ के आया था। ए भाई तू तो आज ऊपर से नीचे ना आवे था। हेलो, यहाँ कैसे आ लोट्या? हैं? अरे की है? कुछ ना, कुछ दिक्कत है के? सर में दर्द हो रहा मेरे। सर में दर्द हो रहा? दवाई ली? हाँ सब ले ली। हाँ दबा दूं? ज्यादा दिक्कत ना, 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 ना। के हाँ ना कर रहा, हाँ ना कर रहा, के बात है? ना 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 कुछ ना कुछ ना कुछ ना। तू तू यहाँ कैसे आई मेरे कमरे में? अरे ब्रो क्यों रही है, है? और तू मेरे कमरे में आई कैसे ये बता, और मेरे लत्ते कैसे पहरे हैं तन्ने? मेरे कमरे का नाला लग रहा था, किसी ने कुंडा नहीं खोला, मैं आपका दरवाजा। अच्छा सो गई है और मुझे बेवकूफ क्यों बना रही थी सुभाष की आवाज निकाल के? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। शुक्र है सुभाष ऊपर सो रहा है, और वो यहाँ होता तो के सोचता? सब यहाँ पता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, और मेरे कमरे में रात को लड़की और मेरे कपड़ों में कोई देखता तो सब मेरे बारे में के सोचते? चुप हो जा, आराम से सो जा, और तड़की मेरे उठने से पहले चली जाइए, और ये लत्ते काट जाइए। ओहो नीचे चला गया भाई, और नीचे वो भी सो रही है। चल के देखूं की ड्रामा होवेगा। हैं? अरे हेलो हेलो, अरे उठ जल्दी। हाँ जल्दी उठ, मैं कह के गया था तू सो रही है, जल्दी खड़ी हो और लत्ते भी बदलिए जल्दी, और जल्दी लिगट जा। हाँ सुभाष ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो। ओह यस। हाँ मैं लत्ते बदलती हूँ, मेरे लत्ते यही है बाथरूम में। अंदर भेज रहा है, नरक का द्वार बतावे था, आज बता दूंगा। हैं? अरे तू उठ गया? और उठता ना, 7 बज रहे हैं, मुझे काम पे ना जाना। हाँ हट, कहाँ जा रहा तू? सवेरे सवेरे उठ के आदमी कहाँ जा, बाथरूम में जा रहा हूँ। आज पहले मैं जाऊंगा, तू बाहर जा। अरे जावे तो जा फिर, तू तो बाहर खड़ा है। अरे तो अभी मेरा मन ना, जब मन होगा जब जाऊंगा। बढ़िया दादागिरी है तेरी, बोल रहा जब तेरा मन होगा जब जाएगा। अरे जब तक तेरा मन ना तो मुझे जान देना। आज बाहर जाओगा, समझ गया ना? तू बाहर जाओगा, मैं जाऊंगा जब जाऊंगा। ले बाहर तो जा रहा हूँ, पर दिखे इस कमरे का किराया तो मैं भी दूँ। हाँ तो देता होगा, ये बाथरूम मेरा भी तो होगा। अरे ये बात बाद में हो जाएगी, तू बाहर जा। ले आज आ रहा हूँ अभी, और तेरे हिसाब ही करूँगा। हाँ कर लिए जा। ओ यस। अरे जल्दी कर भाई। हाँ जी हो गया चेंज। हाँ हाँ अब तू जल्दी चली जा, देख ना चाहिए बस। भाई ये गजब तन्ने कैसे कर ये दिया? सब भैया मैं आपको सामने बताऊंगी, अभी मैं जाऊँ। ओहो जा जा जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे यस। हाँ भैया। हाँ वो टीवी कैसे धरा है? टीवी
अरे आग दे सुसरे टीवी में किसके थोड़े टाइम धरा टीवी देखने का, अब तो इसका नहीं ना पता सुधर राग बिगड़ रहा। तू बता, दिन भर मेरे दिमाग में एक ही बात रही बस। क्या? यू गजब तन्ने करा कैसे? रुको बताती हूँ। भाई वो भी कमाल ही होगा। अधिक सवेरी राजेंद्र मूवी देखने लायक था। कल तक उस तय मैं डरू था और आज सवेरी वो डर रहा था। हैं? और सुन एक बात का ध्यान रखिए, उसे पता नहीं चलना चाहिए अब तो अब तक इसी कमरे में रह रही थी। कमरा तुझे एक आध दिन में मिल ही जाएगा। आ लिया तू। शर्म तो ना आई होगी तुझे। तुझे कितनी बार समझाया अब इस कमरे में औरत जात तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं आनी चाहिए और तू इसे छुपा छुपा के रख रहा, इतना बड़ा धोखा, शर्म आनी चाहिए तुझे। आप इनको कुछ मत कहिए भैया की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बस मुझे सहारा दिया। भैया मेरे वजह से आप दोनों की दोस्ती में कुछ हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ए भाई वैसे तो तू बड़ा आदर्शवादी बने, बहुत बड़ी बड़ी बात करे, दुनिया ऐसे बिगड़ गई दुनिया वैसे बिगड़ गई हैं, और अब तक नहीं यू बिचारी मजलूम और बेसहारा लड़की घर से लिकाड़ दी, ऊपर तो रात होने वाली है, इसकी गैल कुछ ओखो जोखो होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? बस बत्तों का ही तो आदर्शवादी है, क्या कुछ करके भी दिखावेगा, ये तेरी अच्छी बात है कोई। जा ले या, और कह दिया उसने एक दो दिन में चली जाओगी। हाँ भाई राजेंद्र, हाँ किशोरी को रहते रहते कई दिन हो गए, उसका कहीं और रुकने का इंतजाम कर। अच्छा, इसका मतलब इन्हें भी पता है, मुझे छोड़ के सारी दुनिया को पता कि मेरे कमरे में एक छोरी रह गई। भाई मजा आगा, बहुत स्वाद आया है। यू के हो रहा भाई? दिख नहीं रहा? हाँ। देख शानदार दाल। हाँ। मखनी, वाह शाही पनीर, मक्खन लगी रोटी, सलाद, आगा ना मुंह में पानी। अरे ये नए चादर, नए तकिया, अरे ये बर्तन कहाँ से आया सब? कहाँ से आया देख, पीछे को देख। हैं? अरे तन्ने यू अपने मुंह में पनीर ठूसने के लिए मेरा टीवी बेच दिया। भाई मेरा काम नहीं है, बहना का काम है। हाँ भाई एक बात बता, यू इतना सारा सामान एक टीवी की कीमत मांगा है? थोड़ा बोल बिंदास, बोल तेरा भाई बैठा है, बोल भैया। हाँ वो ना भैया। हाँ हाँ बोल ना, डर मत, बोल। वो जो फोन रखा था मैंने, हाँ, वो भी बेच दिया। मेरा फोन बेच दिया? कितने पैसे में बेचा? ओए हेलो, पनीर पनीर, पनीर। जहर है जहर, दाल बहुत कड़वी है, रोटी। अरे नहीं भाई बीमारी है, कितने में बेचा? मेरा 10,000 का फोन 800 में बेच दिया है, नाश कर दिया। तू बढ़िया भाई। का टाइम हो गया, मैं निकलता हूं अब। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ
काम मिला कहीं? ढूंढ रही हूँ। अच्छा, जब तक काम ना मिले तुम यहीं रह सकते हो, हम ऊपर सो जाया करेंगे। ठीक है। और कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलना। तुम्हें मेरा रहना यहाँ पसंद है? एक छोरे ते नजर मिली खिल गई मेरे दिल की कली, एक छोरे ते नजर मिली खिल गई मेरे दिल की कली, कर दी राम जी तन भली मेरे दिल में बस गया वो, कर दी राम जी तन भली मेरे दिल में बस गया वो, बनके दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, बनके दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, भोली सूरत बेमिसाल छोटी बैदिल करे कमाल, भोली सूरत बेमिसाल छोटी बैदिल करे कमाल, हिरणी बन के उसके चाल पे लट्टू हो रहा हूँ, लट्टू हो रहा हूँ, कई दिना ते उस चोरी के ख्याल में हो रहा हूँ, कई दिना ते उस चोरी के ख्याल में हो रहा हूँ, रात ने भी नींद ना आवे आए जैसे ख्याल मने, मन की मन में रहते दिखे सारे ये सब लाल मने, रात ने भी नींद ना आवे आए जैसे ख्याल मने, मन की मन में रहते दिखे सारे ये सवाल मने, आख्या में डोर प्यार की खरड़ी कस गया वो, आख्या में डोर प्यार की खरड़ी कस गया वो, बड़के दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, बड़के दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, साथ मिल जावे राम जी भूलो ना एहसान तेरा, काम काज में लागे कोन्या बिल्कुल भी इब ध्यान मेरा, जय उसका साथ मिल जावे राम जी भूलो ना एहसान तेरा, काम काज में लागे कोन्या बिल्कुल भी इब ध्यान मेरा, देखो बाटवा कद बोले और मैं भी बहाना टोरिया हूँ, देखो बाटवा कद बोले और मैं भी बहाना टोरिया हूँ, कई दिन ते उस चोरी के ख्याल में खो रहा हूँ, कई दिन ते उस चोरी के ख्याल में खो रहा हूँ, जे म्हारी जोड़ी बन जावे हो जागा ढंग निराला, बारात सजा कर ले जाऊं मेरे गालों का वरमाला, जे म्हारी जोड़ी बन जावे हो जागा ढंग निराला, बारात सजा कर ले जाऊं मेरे गालों का वरमाला, बेरी एकदम हंस गया वो, कह के नया बात बेरी एकदम हंस गया वो, बनके दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, बनके दीपक मेरे मन के मंदिर में जस गया वो, के हो गया? चाची खड़े पैसे मांगेंगे। अरे बकवाद मत करे, चल मैं देखूं आप पैसे मांग रहे हैं, इनका पता ना चलता। नमस्ते जी। नमस्ते, की बात है, कैसे परेशान से हो? हमने दिन में शिवानी की ठीक सुनी थी, हम बाहर भी निकल आए तब तक चार पांच आदमी उसे उठा कर ले गए और गाड़ी में बैठ के चले गए, मैं पीछे भी गया लेकिन तब तक वो निकल गए थे। ऐसे कैसे ले गए, कौन थे वे लोग? मुझे लगे उसके वो घर वाले थे, वो बार बार चिल्ला रही थी पापा मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, वो अपने घर से भाग के आई थी इसलिए हमने पुलिस में भी शिकायत नहीं की। एक दिन उसने मेरे फोन पे अपनी माँ से बात करी थी, उसी तरह एड्रेस मिला होगा उन्हें। मुझे तो कुछ समझ में आ ना रहा। अगर वो जाना नहीं चाह रही थी तो मैं उसे जरूर लेके आऊंगा। कह के रहा तू, लेके आवेगा?
हाँ। तुझे घर का पता है उसका? हाँ देख। अच्छा भाई पता तो लिख गई, पर जरूरी है हम उसे लेने जावे और आजा गेल। अगर उसे नहीं आना होता तो वह यहाँ पता नहीं लिखती। यू बात तो है भाई। हैं? यू बात तो है। हाँ तो अब मैं उसे लेने जाऊँ। ठीक है भाई, तू जावे तो हम भी गेल चलेंगे। अरे तू रहन दे, वहाँ पता नहीं कैसी जगह है, कितना खतरा है। अरे के कह रहा है यार तू, भला सीता माता को लेने राम जावे और हनुमान ना जावे गेल? तू कैसी बात कर रहा है यार, दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे। लो जी भाई साहब, ये रही चौधरी साहब की हवेली। अच्छा। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इन लोगों से पूरा गांव डरता है। और मैं तुम्हें एक सलाह दूं, तुम भी उल्टे पैर वापस लौट जाओ, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो। भैया हम तो आगे अब जाना ही है, तेरा धन्यवाद तने यहाँ छोड़ दिए। चल भाई। अच्छा भाई। अच्छा भैया यही है सामी। सुन तू सलाह सही दे रहा था, अभी तो बेटी बाप कही है, कदी उई हमें उल्टा लटकावे। अब तो जो होगा देखी जाओगी, तू चल यार। चल चल तो रहे हैं बस। ओ देख शिवानी के बाप का मकान कितना बड़ा है। अरे भाई पता चल रहा है कितना रही सर बड़ा आदमी है। भाई मारे जैसों की तो ये खाल तारी जाती होगी। तू मरवावेगा यहाँ हमें? चल गाड़ी पकड़ के सांझ तक दिल्ली पहुँचेंगे। चुप कर, डरपोक कहीं का, जब तो बड़ा हनुमान बन रहा था तू, जब डर रहा तो उल्टा चला जा, मैं अपने आप अकेला देख लूँ। अरे अरे रुक तो सही, अरे रुक जा, तेरी गैल तो भाई चलना पड़ेगा। रुक जा रुक जा। अरे अरे कौन हो, कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो भैया? यह हवेली किसकी है? तुझे पता ना है ना? या चौधरी कृष्ण पाल जी की हवेली है। कृष्ण पाल जी की हवेली, की हवेली? या यहाँ कोई काम वाम मिल जाएगा? यहाँ काम, यहाँ कोई काम वाम ना, भगो यहाँ। अरे के बात होगी नंदू? अरे पता ना कहाँ से आए, काम और मांग रहे। अरे तो मामा भाई चाचा चौधरी से मिलो। ये तो पागल सा लग रहा है यार। लग तो रहा है, मिलवाते ले चल, वही मिल जाएंगे। सही कह रहा तू, पूरे मजे आऊंगे। चाचा चौधरी से मिलवाओ हमें। लो जी चाय पी लो। चौधरी साहब दो लोग आए हैं, काम मांग रहे हैं। राम राम जी। राम राम। हम जी काम की तलाश में है जी, आपके यहाँ काम मिल जाएगा तो हमें आसरा मिल जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो काम करने वाले पहले बहुत आदमी है, हमारे यहाँ तो कोई काम ऐसा है नहीं, जाओ चलो यहाँ से। चाचा चौधरी दे दे कुछ काम। क्या काम कर लेगा तू, देखने से पागल लग रहा। अजी ना जिस काम की नहीं आए पूरा काम करके जाए। अजी ये थोड़ा मन बुद्धि है, पर हम मिलकर दोनों काम कर लेंगे, चाहे तनख्वाह एक आदमी की दे दियो। मैंने कह दिया ना यहाँ कोई काम नहीं है, चलो भागो यहाँ से, भगाओ इन्हें। रुक जाओ, मैं नू कह रही हूँ कुछ दिनों बाद हमारी छोरी का ब्याह है, घर में 50 काम हो जा, जब तक रख लो। चल तू कह रही है तो ठीक है, बैग रख दो नंदू, इन्हें काम समझा दिए, बाद में इनके रुकने का इंतजाम करती है। ठीक है जी, चलो भाई आओ। चलो भाई।
अरे दोनों सुन लो, आज के बाद तुम्हें यहाँ काम करना है। इन डांगरों की सानी करनी है, ये नहाने धुआने हैं, और खेत का काम भी देखना है, और जरूरत पड़ी तो बाजार ही भेजेंगे, वहाँ का काम भी तुम्हें करना है। अच्छा, थारी दोनों की छुट्टी हो रही है के? क्यों? भाई सारा काम हमें ही बता ले रहे हो। तमें गोबर भी ठाना। गोबर? गोबर? चलो थारे पढ़ने की जगह भी दिखा दूं तमें, चलो। यहाँ पढ़ना तमें। अच्छा, ओए के कह रहा हूँ, यहाँ मच्छरखाने में पढ़ेंगे हम। अरे है? चुप मर ले तू, यू बेचारा भूखा कई दिन थे इस मारे भर डाल रहा। अरे एक काम कर, दो रोटी लाके दे दे इसे। लाऊं? और रोटी खा गेर में मर जाइयो, वे ढोर नवाने सानी करनी है। अरे सुन, गोबर ठा लिए तू? अच्छा गोबर तो मैं ठाई दूंगा। हाँ गोबर तो ठाई दूंगा मैं। अरे ओ लाट साहब, दिखे तेरी आशिकी के चक्कर में गोबर ठाने की नौकरी मिली है। ज्यादा बकवाद मत कर, तू ही लाया था कमरे में। अरे कमरे में तो मैं लाया था, पर ठेकेदार तो तू बन रहा था। नरक का द्वार बतावे था, अब फिर नरक के द्वार के पीछे पीछे है। गोड्डा भी तोड़वा दिया, देखे चप्पल भी टूट गई। अभी तो शुरुआत है, देखता जा। देखे क्या हाल हुआ इसका। सुन हाँ जी, वो मैं ये पूछ रहा था, इस घर में मालिक और मालकिन ही रहवे या और कोई भी रहवे? अरे चुप हो जा, चला रहा जुबान। चौधरी साहब को पता लग गया ना तो अलग मत जीव खींच लेंगे। सही पहुंच गए। अरे तू के कह रहा? अब मतलब अक्सादी का टाइम है ना, दावत भी खा लेंगे। अरे इस काम में जल्दी निपटा लो, फिर बबलू के साथ खेत में जो निहार लेना है। ये दोनों? अरे ये दोनों ना हमारे नए नौकर हैं। तेरे पिताजी ना सवेरे काम पर रखा है इन्हें। चल तू भीतर चल। कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। कमाल है, खुद ही बुला के खुद ही वापस जाने को कह रही है। मैंने कब बुलाया? अच्छा नहीं बुलाना था तो दीवार पे अपना पता क्यों लिख के आई? देख मैं यहाँ तेरे पापा को जानने नहीं आया, समझ गई ना? देख मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी है, और मैं अपने दिल की आवाज सुन के यहाँ आया हूँ और तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे काम करते नहीं देख सकती। अरे सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इसे पता चल गया है औरत नरक का नहीं स्वर्ग का द्वार है, अब यू अपनी दुल्हनिया को लेके ही जाएगा, ठीक है? और ऐसा है, तू भी जाके सो और इसे भी सोन दे। इसे सवेरी बहुत सारे काम करने हैं, धार काटनी है, न्यार करना है, खेतों में जाना है, झाड़ू मारनी है, और दिखे मुझे गोबर उठाना। जा जाके सो जा और हमें भी सोन दे। हेलो बलवंत, कहाँ है भाई? अच्छा मच्छर मार रहा है, ले रोटी खा। अब देख भाई जैसी जली भुनी मेरे पे बने वैसी लाया हूँ बना के। अरे तेरे हाथ की खाने की तो मुझे आदत है, पर तुझे मेरी वजह से जो दुख उठाने पड़ रहे हैं ना, इनका बड़ा। अरे यू कोई बात नहीं यार, दुख तो इस नंदू का है, सुसरा दिन भर चैन न लेन देता, कभी न्यार कर, कभी फूस कर, कभी खेत पे जा, कभी झाड़ू लगा, कभी धार काट, कभी गोबर उठा, हैं? पर प्यार में यारी में इतना तो सहना ही पड़े।
हैं? रोटी खा यार, कोई बात नहीं, रोटी खा यार। ये लो। तू यहाँ इस टाइम? मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई हूँ। अरे यो तो घना बढ़िया कर दिया भाई। ला 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 ला, और इस खाने की तो हमें सख्त जरूरत है। इसे हटा परगु, इसे तो सवेरे कुत्ते खाएंगे। अरे तेरे हाथ के खाने के चक्कर में तो नरक के द्वार से स्वर्ग का द्वार बना है यू। देख तू आज तो ले आई खाना, आज के बाद मत लाइए, कोई यहाँ आती हुई देख लेगा तो। लेकिन? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे खूब अच्छी ढाल पता, तू यहाँ किसी ने देख ली तो के होगा। जा तू अब, फिर मत आइए यहाँ। अरे ओ बेदिमाग। हाँ क्या? हाँ बता, तेरे में दिमाग कितना है? दिमाग कितना है? हाँ 2.25 किलो। अरे 2.25 किलो भाई, और तेरे में तो दिमाग है भाई। और वैसी मान रहा किलो में होल लगा भाई, मारा तो किलो में, ये तेरा होगा ग्रामों में। वह भैंस दिख रही है? हाँ दिख रही है। उसकी पूंछ के बाल गिन क्या? अब गिन का, अब गिन का। मैं तो फंस रहा दिखूं इसमें। अच्छा ऐसा लिखना जा रहा, नू तो सब जानू मैं। अरे यू ना, अच्छा यू है भैंस, यू है भैंस। थम जा गिद के मत। एक दो तीन 27 28। अरे गिन लिए? हाँ गिन लग रहा हूँ, गिन दूंगा। छोट बाड़ों को मेरे सुन। हाँ इस गाय के दांत गिन। अभी गिने? गिन तो। अभी गिने? ओ, हाँ इसके मुंह मत है बदगू भी आ, इसके दातून भी करनी। अच्छा दातून तो मैं थारे भी करूँगा एक दिन, और देखियो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ तक करूँगा। आन दे मारा टाइम। ओए तू बहुत दांत पाड़ रहा है, जा मैंने एक बेहतरीन सी चाय लेके आ। अरे ओ सुन। हाँ तूनू बता, मुर्गी के अंडे में था बच्चा बाहर क्यों करावे? और जो तू बता दे है? मैं तो ये मान जाऊं तेरे में 2.5 किलो दिमाग है। अच्छा बतने तो फंसा दिया। पर पहले तू एक बात बता, नू बता वो जो मुर्गी का बच्चा है उस अंडे में घुसा कैसे? साले ने कर दी ना बेबुद्धि की बात। ओ रुक जा गिन लंदे। चाय लेके ना आवे, अपना आप पी लगा दिखे। अब देखो बेटे भाग्य फिरोगे तम तो, और याद रखोगे। राजू किधर जा रहा? मैं वो चाय दे रहा हूँ नंदू को। नंदू को भेज दिए? ठीक है जी। चाय। वो तुझे वो मालिक बुला रहे हैं। चाय तो बेहतरीन है भाई, बढ़िया बना रखी भाई। हाँ जी ये चिट्ठी ले जा, डाकखाने में डाल दिए, और रुक ये फाइल वकील के घर जाकर वकील को दे दिए, समझ गया? हाँ जी समझ गया। क्या समझ गया? यू चिट्ठी वकील को देनी है, फाइल डाकखाने में डालनी। तेरा दिमाग काम ना कर रहा है क्या? दोबारा से सुन, यू फाइल वकील को देनी है, ये चिट्ठी डाकखाने में डालनी है।
जब जाहिर तो मेरे लिए खांसी की दवाई ली और डांगरों के लिए हल्की बात कर रही है। समझ गया, यू चिट्ठी डाकखाने में देनी है, यू फाइल वकील को देनी है। ढोरो की खांसी की दवाई लेकर आनी है, आपकी हल्की बात क्या बकवास कर रहा। भाग ऐसे। सही सही गिन ले। हाँ गिन रहा हूँ, थोड़ी चैन पकड़ ले। मैं भी आ रहा, पता है मुझे, पर तुझे जान नहीं दूँ, जान नहीं दूँ। जान नहीं दूँ, कहाँ चला? अरे बाल गिन के बतावा तुझे, रुक जा। अरे छोड़। अरे जान नहीं दूँ, तेरा तो जल्दी से निकल आऊँ। मुझे बुलाया के बात? यहाँ तुम गाय भैंसों का गोबर उठाते रह जाना और पिताजी मेरा ब्याह कर देंगे। अरे नाराज मत हो, मुझे बता के बात। पिताजी ने मेरे लिए लड़का देखा है, दिल्ली से, ठेकेदार है, और वो कल मेरी गोद भराई के लिए आ रहे हैं। गोद भराई के लिए आ रहे हैं ना, कोई बात ना, कौन सा फेरे करके ले जाऊंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई गोद नहीं भरवानी। तू चिंता मत करे, मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता। अरे क्या बात होगी, कैसे मुंह लटका रहा? नंदू ने फिर कोई नया पंचनामा लिख दिया के? अरे नंदू की बात ना है यार। फिर? अरे शिवानी आई थी। अच्छा। वह कह रही थी कल सगाई होने वाली है उसकी, लड़का भी आओगा गैल। अच्छा। गोद भराई होनी है, होनी नहीं चाहिए, किसी ढाल भी कुछ भी करो। बात तो सही कह रही है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे उस काम को तो हम कर नहीं रहे, फालतू फालतू काम में लगे पड़े। अरे तो के करे, कुछ बता। अब सारी बात मैं ही बताऊं के, तेरा काम है तू जाने है, तेरे चक्कर में मेरी और गोबर उठाने की नौकरी लग गई हो। अरे तू बातों का हनुमान है के फिर? कुछ तो जुगाड़ सोच यार। तू भी यार अजीब आफत है, तेरी ना जुगाड़ ही सोचते रहो। तू एक काम जो करे। हाँ बता। जो काम नंदू की गैल कर रहा था वो काम इस लड़की गैल कर दे। अरे तू पागल है के, वे रिश्तेदार हैं यार, ऐसे करे करे के? अरे तू रिश्तेदार इन्हीं के तो हैं। सोच, जब उस लड़के को नाड़ा बांधने की फुर्सत ना मिलेगी वो शिवानी को नहीं देखने का, जब देखेगा ही ना तो गोद भराई काहे की होगी। चल सो जा। अब देख इसमें मैं कांड कर गिर दे, गिर दे, तू गिर दे, गिर दे। गिर ए हाँ। भाई वाह। ध्यान तो दे दी। सही है, ले जा। ध्यान है बिल्कुल। अरे चौधरी साहब, इन लड़कों के भी नए नए अरमान हैं। ये कह रहा था मनीष मल्होत्रा की डिजाइनिंग शेरवानी पहने। क्यों ना हो, हमारा होने वाला इकलौता दामाद है, लाखों में एक है, लाखों में। लो जी चाय मसाले वाली। चौधरी साहब चाय पियो। बाबूजी आप भी लो। लो बेटा, समधन जी को दो। और बता बेटा प्रकाश, तेरी ठेकेदारी कैसी चल रही है? अंकल जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। वो जो मेरठ से लखनऊ नेशनल हाईवे जा रहा है ना, उसका काम भी मुझे ही मिला है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो बेटा नमकीन ले लो। बहन जी शिवानी को बुला लेते, गोद भराई की रस्में हो जाती। शिवानी की माँ, जरा शिवानी को बुला के लाओ। हाँ जी अभी ला रही हूँ बुला के। और चौधरी साहब ये बाल कैसे उड़ गए, क्यों ज्यादा टेंशन लेने लगे? इस उम्र में आके उड़ जाते हैं। अब क्या करें,
लो बेटी भी आ गई। बैठ जा। ओह नो। अरे क्या बात हो गई हरदयाल जी? अरे कुछ ना चौधरी साहब, पेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही। अच्छा, ऐसा केक खा लिया था आज आपने? कुछ ना, पहले तो सही था, बस अभी चाय पी है, उसी से गड़बड़ सी लग रही है। चाय तो हमने भी पी है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सुभाष बैठ जा, चौधरी साहब को टॉयलेट ले। मन की बात। जाओ चौधरी साहब। आओ जी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? पापा आ जाएंगे। मैं अभी आ रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार बापू तू बहन तो मुझे वहां दो। खींच से तू लड़की देख। बापू मुझे वहां तो मैं जान मत दे, जान मत दे। सर दूसरी में लेके चला जा लैट्रिन में। खींच खींच खींच। अरे मेरी निकल गए से दूसरी लैट्रिन में ले जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आजा आजा, तेरा भी इंतजाम करूँ। आजा आजा आजा। खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। अरे क्या हो गया? खोल ना कुंडी। हाँ खोल रहा हूँ, परेशान मत हो। अरे तू हट, मैं खोलू। चल ना जी, मैं नौकरू, मैं खोल लू। तू तू हंसा मत ना, मैं खोल लूंगा। खोल दे जल्दी। अरे खोल दे अब जा। होगा काम। अरे वो कहाँ रह गए? क्या हुआ? छोड़ आया जी, उन्हें टाइम लगेगा। हे भगवान, आज पता नहीं क्या होगा। ओ भगवान, ओ बिनोन लगी भाई, बिनोन लगी। एक बार राजेंद्र को तो बता के आऊं, कुछ और तो ना करना। हो गया काम। लग रहे सारे लाइन में। तू एक काम कर, साले को लड़के को तू दुखी कर, अब क्या बड़ा नहीं मत दे। सही कह रहा है, सही कह रहा, अभी गया। पता नहीं आज क्या होगा। अब क्या पिला दिया घोट के। ओ, पिरोल लगी हो, मैं क्या करूं भैया। अरे बेटा क्या हुआ? पेट में थोड़ी परेशानी होगी। अब कहाँ जा रहे हो बेटे? अभी आ रहा हूँ। पक्का इलाज कर दूंगा आज इसका, पक्का। अरे कौन चला गया? अरे रुक जा, ठंड रख ठंड। अरे बाहर आ जल्दी। अरे कुछ घर में ले जाइए, सारा बारदाना यही लिखाड़ेगा। ये भरवाएगा भाई आज। अरे बाहर आ जा, बाहर आ तू। अच्छा यही करेगा, घर नहीं ले जा। चौधरी साहब तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। चौधरी साहब मारी मत तो रही ना, रुकने की, बाद में देख लेंगे गोद भराई वगैरह।
भाई साहब गोद भराई बाद में कर लेंगे, पहले मैं इन लोगों को डॉक्टर के पास। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या न कर यारा, यारा के बोले जोगी का एक तारा। ओए होए, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। भैया हाँ, तू आज आप अकेले, बाकी सब कहाँ गए? हाँ नंदू कह रहा था खेत बुआई का टाइम आ लिया ना, वो खेत खाली करना है, बस सब वहीं गए बरसम सी काटने। अच्छा। सुन। हाँ। जिसे तो ढूंढ रही है ना, वो भी वहीं जा रहा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर। आ गया, चल लग। काम तो बढ़िया कर रहे भाई। सुनो जी। अरे सुनो जी। हाँ सुना, के बात है? की बात है। अरे राजू कौन है वो सुनो जी वाली? अरे मुझे की पता। हाँ भाई कौन है तू? हमें उल्लू मान रहा, या तो बहू कहवे। अरे ऐसा कुछ ना है, कौन है भाई तू? कौन हो जी तुम? इसे सुनो जी कह के क्यों बुला रही हो? जी मैं इनकी घर वाली हूँ। चली जाओ यहाँ से। अरे के मामला के चल रहा है वो हमें बता दे कुछ। जी ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मैं इनकी घर वाली हूँ और ये मुझे गाँव में छोड़ आए थे गुस्सा होके, और मुझे इनकी याद आ रही थी। जा तू ना, गजब हो जा गया। अरे गजब तो हो गया, तू तो नुकेरा मेरा भयान हुआ, या कौन है? देखो जी अभी मैं इनको कैसे मनाती हूँ, अजी आपके सामने शर्मा रहे हैं ये।
आज मैं बिगड़ गया, पर वो छोड़ दो, गोद भराई की रस्म तो रही गई। ना ना चौधरी साहब, हमें कोई दिक्कत ना है, 16 तारीख ब्याह की पक्की रही। ठीक है चौधरी साहब, राम राम। मैं उस छोरी से बिल्कुल ब्याह ना करने का हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? देखा ना था तुमने हम दोनों की हालत पे किस तरह से दांत फाड़ के हंस रही थी। तू ठीक कह रही है, मैं भी देख रहा था कैसा अपमान हुआ हमारा, चौधरी की छोरी कैसा हंस रही थी मारे ऊपर। पर सोचो, चौधरी की छोरी अकेली है, खूब माल मिलेगा, एक बार ब्याह हो जान दो, उसके बाद देखा कैसे मजाक बनावेगी। अरे नंदू तू इधर आ। बाबूजी राम राम। राम राम। आप यहाँ कैसे आ गए? कहीं ना, ये पास वाले गांव में कुछ काम से जा रहा था। और सब बढ़िया? हाँ जी बढ़िया। ये बता शिवानी के बारे में क्या जानता है? शिवानी जी मारी मालकिन है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा एक काम कर। हाँ जी। मैं तेरी सेवा पानी करता रहूंगा, घर में कोई भी खास बात हो मेरे तक पहुँच जानी चाहिए। जी मालिक। ठीक है चल। और एक काम कर, और ये पकड़ 10,000 रुपये। ठीक है, और कोई खास बात हो तो बताइए। चलूं? ठीक है बनंदू। अरे निखिल, अरे तू शादी कर रहा, फोटो तो तने दिखाए नहीं यार। आजकल तो वीडियो कॉल चल रही है, वीडियो कॉल कर लेना। हाँ ले, अभी ले। वीडियो कॉल नए नंबर से। हेलो। ये ले। अरे भाभी तो बहुत कंटा है यार, ये तो गजब पीस है भाई, गजब पीस। एक सेकंड। आपको कोई काम था? अरे काम तो कुछ ना था, तुझे मेरे दोस्तों को दिखाना था। क्यों, है ना बढ़िया पीस? कंटा, बिल्कुल कंटा। अरे गजब। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे रुक, एक बात तो बता, मुझे तुझे एक गिफ्ट देना है, प्राइवेट वाला, अपना साइज तो बता दे। जस्ट शट अप। ये तमीज है तुम्हारे बात करने की? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या तुमने? और खबरदार, आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे फोन काट दिया? अरे तेरे तो झंड होगी झंड, शादी के बाद तो तेरे में जूते मारा करेगी। मैंने जिले के सबसे बड़े टेंट वाले से बात करी है, और हलवाई से भी कह दिया कि खाना ऐसा बनना चाहिए कि पूरे एरिया में चर्चा हो जाए कि शादी हो तो चौधरी कृष्णपाल की छोरी शिवानी जैसी। अजी हो क्यों ना, शिवानी मारी इकलौती तो औलाद है, और तुम देखियो मारी सारी रिश्तेदारी में चर्चे होंगे चर्चे। सही बात है। अरे राजू जरा इधर सुनिए। हाँ जी। तू कल नंदू के साथ चले जाइए, आसपास के गांवों में कार्ड बटने शिवानी की शादी के। जी ठीक है। ठीक है जी। अरे तुम भी सारे रिश्तेदारी में फोन घुमा दो एक बार। चिंता मत करे, सब काम हो जाएंगे। अगर मेरी उससे शादी हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Ha 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 ha
शिवानी, मैं तुमसे जुड़ी हर चीज को अपनी मानता हूँ, चाहे वो तुम्हारे पिताजी की इज्जत ही क्यों ना हो। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे पिताजी की इज्जत खराब हो और वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करें। मैं जल्दी कुछ सोचता हूँ। तुम्हारा राजेंद्र। ले दिया जाप। ए मंदबुद्धि, ए कौन है, कहाँ जा रहा है? अरे गोबर लेने जा रहा हूँ ऊपर। ऊपर गोबर उठता होगा? ठीक है, वहां तठा देंगे, तठा देंगे। चल। अरे अरे मार मार लिया, मार लिया, छोड़ दे छोड़ दे, हाथ दुखे ही हो, छोड़। अरे मार दिया। छोड़ दे, ज्यादा शेर मत बने, छोड़ 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 दे। पापा जी छोड़ दो इनको, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। शिवानी की माँ, इसे अंदर ले जा, मेरी आंखों से दूर कर दे, इसने गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। निकल जा जवान, चल तेरे। इन दोनों को गांव से इसी वक्त निकाल दो। मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुमने मेरी बेटी को शहर में इज्जत के साथ रखा था, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा। दोबारा इधर देख मत जाना, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, मुझे तो पता ही ना चला यो के हो गया। तू तो अंधी हो रही है, तुझे तो पता ही नहीं घर में जवान लड़के किससे मिल रही, किससे नहीं मिल रही, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता भी है तुझे? ऐसा के लिख रहा उस चिट्ठी में, मुझे भी दिखा दो। ले तू खुद ही पढ़ ले। तुम तो यूं कह रहे थे शिवानी ने उस छोरे को चिट्ठी लिखी है? ये चिट्ठी तो उस छोरे ने हमारी शिवानी को लिख रखी। ला मुझे दिखा क्या लिख रखा। देख लो। ये कैसा हो गया? मैं ही पूछूं छोरी ते जाके के बात है। याद तो गई। शिवानी के बापू,
शिवानी के बापू गजब हो गया। कुछ बताएगी भी के हो गया? शिवानी अपने कमरे में ना है। अरे दूसरे कमरे में देखे, छत पर होगी। मैंने सारे में देख ली, सारे कमरे में देख ली, ना मिल रही वा। मुझे पता हो जरूर उस छोरे के साथ गई होगी। नंदो नंदो गाड़ी निकालो, जल्दी चलो। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? तुम हमें साथ ले लो जहाँ जा रही हो। तुमसे मतलब? मतलब मतलब तो बहुत है। उस दिन तो बड़ी असरी थी, और के कह रही थी शट अप, आज तेरा साइज ले ही लेता हूँ मैं। मुझे जाने दो, मुझे पहले ही देर हो रही है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे चली जाइयो चली जाइयो, पहले मेरे को अपना काम तो निपटाने दे। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। शिवानी कहाँ है? शिवानी? हाँ शिवानी। हमें क्या पता शिवानी कहाँ है, हम तो घर ही ना छोड़ के आए थे। देख मैं तुझसे दोबारा पूछ रहा हूँ, सही सही बता, नहीं तो मैं तेरा कौन पी जाऊंगा। चौधरी साहब ये सही कह रहा है, जब हम घर से लिकड़े थारे आगे अकेले न लिकड़े, शिवानी घर ही न थी, वो तो बस न आई, नहीं तो अब तक तो हम स्टेशन पहुँच जाते। ये लड़ाई झगड़ा तो बाद में भी हो जाएगा, शिवानी को ढूंढ लेते हैं सब मिल के। चलो मालिक ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें पता शिवानी का, इनके दो लगाओ ये भी बता देंगे। अरे दो तो इनके कदी मार लिए, ये कौन सा भाग रहे, पहले शिवानी को देख लो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, यही रास्ता इधर से होगी फिर तो। शिवानी बेटा, शिवानी किधर चली गई? आ कटकी राड, शिवानी 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 शिवानी। शिवानी ए शिवानी, शिवानी कहाँ गई? शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, ए शिवानी, शिवानी 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 शिवानी। छोड़ दो मुझे, ऐसा नजारा देखा है कभी? वो भी लाइव। प्रकाश भाई मजा आ गया। छोड़ दो मुझे, बस इतना ही दिखाओगे? आगे का नजारा भी कुछ दिखा दो। इस सीन का डायरेक्टर मैं हूँ, ठीक है? अरे सीन, अरे इसकी जिंदगी का कट मैं अपनी मर्जी से करूँगा। ये तो सब ठीक है, और ये तो बताओ फिल्म बन कहाँ रही है? शेरपुर वाले जंगल में। चल अब रखता हूँ, आपकी पूरी फिल्म भेजूंगा बाद में, ठीक है? यो फिल्म जरूर भेजना। Oh, oh, oh.
शिवानी कहाँ है बता। अरे क्यों मार रहा है इसे इतना? इस कमीने से पूछो शिवानी कहाँ है बता, शिवानी कहाँ है? यू तो शेरपुर का जंगल बता रहा है, कहाँ पे है? शेरपुर का जंगल तो इधर है। हाँ तो ठीक है, तुम इसे संभालो, मैं शिवानी को देखता हूँ। तूने ये क्या कर डाला? मैं एक सपोले को दूध पिला रहा था। अरे तू तो बहन मानता था ना कमीने। मेरी शिवानी पता नहीं किस साल में होगी। कहाँ है? अरे उनकी तो सल बटा दी, धरती पड़े धूल चाट रहे। अच्छा, दोनों ने अकेले नहीं पीट दी? अरे दोनों धरती में बिछ गए, नहीं तो पता नहीं आज क्या कर देता। पापा